हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि रिपोर्ट डिजाइन में जाकर के हम डायरेक्ट वहां से कोई भी फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेना, जो भी वर्जन आपके पास है आप उसे ओपन कर लें। ऐसा सिनेरियो आपके सामने आएगा, ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करें और यहाँ से क्रिएट पर कर दें क्लिक। अब ऐसा एक सिनेरियो आएगा, अब यहाँ से आपको व्यू पे करना है क्लिक। यहाँ पर कोई नाम देना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ और रिपोर्ट, ठीक है, हम यहाँ पे रिपोर्ट ही डिजाइन कर रहे हैं, दैट्स वाई हमने यहाँ पे नाम दे दिया रिपोर्ट। यहाँ पर आ जाएगी स्टूडेंट आईडी या यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर आ जाएगा, तो यहाँ रोल नंबर ही कर देता हूं मैं, रोल नंबर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इसको ऑटो नंबर ही रखता हूं और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट का नेम, तो यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट कर दिया हमने, ठीक है। इतना देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर जैसे ही आएंगे हम नीचे की तरफ, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स देने हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट मैं रखता हूँ कंप्यूटर साइंस, तो ये हमारा पहला सब्जेक्ट है, इसको हमने ले लिया। और इसको लेने के बाद यहाँ पर आपको करना है नंबर डेटा टाइप चूज कर लेना है। फिर यहाँ पर सेकेंड जो सब्जेक्ट है वो होगा बायोलॉजी, इसमें भी आपको नंबर डेटा टाइप ही चूज रखना है। थर्ड सब्जेक्ट आ जाएगा केमिस्ट्री, यहां पर भी आपको नंबर ही डेटा टाइप चूज करना है। और इसके बाद फिर आएगा इंग्लिश और देन आएगा फिजिक्स, इन सब में आपको नंबर डेटा टाइप ही रखना है, यह बात आपको ध्यान देनी है। तो यहां से नंबर डेटा टाइप कर लीजिए और यहां पर भी नंबर डेटा टाइप कर लीजिए। चलिए इतना करने के बाद यहाँ पांच सब्जेक्ट हो चुके हैं, अब हमको यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करना है। टोटल हमें यहां से नहीं कैलकुलेट करना, हम और रिपोर्ट डिजाइन में जाकर के टोटल कैलकुलेट करेंगे। यहां से इसको ओके करते हैं, ये ऐसा हमें दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे डेटा एंटर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए पहले स्टूडेंट का नाम है राम, ठीक है, दिया हमने ओके, और यहाँ पर भी दे दिया। अच्छा, हमको एक चीज और इसमें और भी कैलकुलेशन हमें करने हैं, जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट का टोटल मार्क्स कितना है वो हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल रख दिया हमने और यहाँ पर आपको चूज करना है नंबर, और यहाँ पर आएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू। तो डिफॉल्ट वैल्यू यानी अगर आप कुछ भी नहीं देते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या चला जाए, पांच सब्जेक्ट है तो 500 चला जाए ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू मैंने दे दिया है टोटल के लिए। अब यहाँ पर एवरेज भी कैलकुलेट करना है, तो एवरेज हम वहां से जाके कैलकुलेट करेंगे, यहां से हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये इतनी चीजें हमने ऐड कर ली हैं, यहाँ पर भी डिफॉल्ट वैल्यू 500 रहेगा और यहाँ पर भी 500 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा नाम दुर्गेश, एंटर पे चलते हैं और यहां से चलते हैं और रिपोर्ट विजार्ड पे, और इन सारी चीजों की जरूरत हमें पढ़ने वाली है, इसको ले लेते हैं। और यहां से प्रायोरिटी किसको आप देना चाहते हैं, तो रोल नंबर को मैं लिख देता हूं, यहां पे दे देता हूं। और यहां पर अगर असेंडिंग डिसेंडिंग में कुछ, यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर देता हूं मैं, और यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए यहां से कोई भी एक स्टाइल चूज करके और फिर मॉडिफाई डिजाइन कर देता हूं यहां से, तो ये इस तरीके से कुछ हमारे सामने आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे कैसे काम करना है वो बताता हूं आपको। देखिए यहां पर इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए, ठीक है, और यहीं पर ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट है ये काफी बड़ा हो गया, इसको थोड़ा यहाँ से छोटा कर लीजिए। और यहीं पर हमें क्या करना है, जो भी फॉर्मूला अप्लाई करना है यहीं पे करना है। तो अभी हम कहाँ चलेंगे, डिजाइन में चलेंगे और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लिया हमने, यहाँ पे देख सकते हैं एक टोटल का भी कॉलम हमने बनाया है। इस टोटल में हम टोटल ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट बॉक्स लिया हमने, तो यहाँ पे हम ऑप्टेन मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ लिखता हूं OPTAINED ऑप्टेन मार्क्स, ओके, तो ऑप्टेन मार्क्स लिख लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑप्टेन मार्क्स के बाद यहाँ पर भी इसको चेंज कर लेंगे, यहाँ पर भी ऑप्टेन मार्क्स कर देंगे हम, OBTAINED ऑप्टेन मार्क्स,
यहाँ पर भी कर लिया ऑप्टेन मार्क्स, तो यहाँ पे अब ऑप्टेन मार्क्स कैलकुलेट होकर आएगा। यहाँ पर टोटल को सही कर लेते हैं एक बार और, ऑप्टेन मार्क्स हमने यहाँ पर लिखा हुआ था इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओ बी टी ए आई एन ई डी एम ए आर के एस, तो ऑप्टेन मार्क्स यहाँ पर भी सही कर लिया हमने। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये पूरा पूरा दिखे, तो यहाँ पर अब ये दिखने लगा है। तो यहाँ पर ऑप्टेन मार्क्स हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ऑप्टेन मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद क्या कैलकुलेट करना है हमें एवरेज भी कैलकुलेट करना है। इसके लिए एक अलग से टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ और इसमें हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज। ठीक है, तो चलिए ये एवरेज कैलकुलेट करते हैं। पहले यहाँ पर क्लिक करके इसका नाम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एवरेज, ए बी ई आर ए जी ई, एवरेज लिखा हमने। और यहाँ पर अनबाउंड जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करिए आप, पहले इसको रिसाइज कर लेता हूँ एवरेज को। अब यहाँ पर अनबाउंड पे क्लिक करना है और इसमें भी नाम हमें चेंज करना है, यहाँ पर भी एवरेज देना है। ठीक है, ये एवरेज दे दिया हमने। और एवरेज देने के बाद हमें क्या करना है, इसी पर क्लिक रखते हुए कंट्रोल सोर्स पे जाना है और यहाँ से इस पर क्लिक करके इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एवरेज हमें कैलकुलेट करना है। एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा, सारे सब्जेक्ट्स का जो टोटल आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है तो 5 से इसको डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए पहला सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, ले लिया साइंस ले लिया, ठीक है प्लस कीजिए। फिर यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी ले लीजिए प्लस कीजिए। तीसरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो यहाँ से ले लीजिए प्लस कर दीजिए। ये एक बार आप कर लीजिए, फिर आपके लिए ये एक सॉफ्टवेयर के जैसे काम करेगा। इंग्लिश, फिर यहाँ पे फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पांचों सब्जेक्ट हमने ले लिए हैं, यहाँ से ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमने टोटल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ऑप्टेन मार्क्स लिखना है, टोटल नहीं रहेगा ये क्या रहेगा, ऑप्टेन मार्क्स। तो जो भी हमारा ऑप्टेन मार्क्स आएगा उसी के बेस पे हम एवरेज भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ ऑप्टेन एम ए आर के एस ऑप्टेन मार्क्स लिख दिया हमने और यहां से अब व्यू पे करना है क्लिक। ठीक है, पहले इसको सेव कर लेते हैं फिर अब व्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज भी आया हुआ है और टोटल मार्क्स भी आया हुआ है, ऑप्टेन मार्क्स भी आया हुआ है। यहाँ 333, ठीक है, यहाँ 320, यहाँ 302 और इसके हिसाब से एवरेज भी आया हुआ है। क्या होगा अगर हम यहाँ पर, जैसे ये रिपोर्ट यहाँ पे हमने बनाई है, इसमें अगर हम कोई और नाम इसमें अगर हम इंक्रीज करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया रानी, ठीक है, और यहाँ पे जो भी ये मार्क्स ऑप्टेन करेंगे क्या इसका टोटल करके ये हमें देगा। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं क्या इसका टोटल हमें मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ तक हम आ चुके हैं, अब इसको सेव करता हूँ। ठीक है, और वापस चलते हैं रिपोर्ट में और यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार। अब यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ दुर्गेश तक का ये रिपोर्ट हमें दिखा रहा है। ठीक है, इस रिपोर्ट को हम सेव करते हैं और एक बार आपको क्या करना है, इसको क्लोज करना है इस रिपोर्ट को और अब फिर दोबारा से आप ओपन कर लें इसको। ठीक है, अगर आप बार बार ओपन नहीं करना चाहते तो उसके लिए आपको एक विजुअल बेसिक कोड लिखना होगा। वो कोड कैसे लिखा जाएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर। तो चलिए ये रिपोर्ट देख लेते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं हमारा डेटा अपडेट हो चुका है। यहां पे ये नीचे जो है रानी लिखा था हमने, वो रानी नाम आ चुका है और यहां पर 64.8% मार्क्स भी आ चुके हैं। यहां परसेंट लिखा हुआ नहीं आ रहा है, परसेंट कैसे लिखा हुआ आएगा ये किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये वीडियो सिर्फ इसी बात को लेकर के था कि हम कैसे रिपोर्ट में भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर्म व्यू में जाकर के हम फॉर्मूला लगाना पहले ही बता चुके हैं, यानी डिजाइन व्यू में जाकर, फॉर्म के डिजाइन व्यू में। अब रिपोर्ट के डिजाइन व्यू में कैसे फॉर्मूला लगाते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।